फ्रेंड्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर नई रेसिपी की जानकारी मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, हनी की रसोई से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए ग्वारफली की एक बहुत ही टेस्टी सब्जी लाई हूँ, जो कि बहुत झटपट तैयार होती है और बहुत ही स्वादिष्ट खाने में बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम ग्वारफली ली है, जिसे हमें इस तरीके से काफी सारी ग्वारफली आप ले लीजिएगा और उसके ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा हमें काट लेना है। आप चाकू की हेल्प से भी काट सकते हैं, मैं यहाँ कैंची का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से हमें ऊपर और नीचे से छोटा सा कट कर लेना है। उसके बाद में इस तरीके के हमें टुकड़ों में कट करना है। आप चाहें तो इतना या इससे छोटे या बड़े, जैसा भी आप चाहें उस तरह के टुकड़ों में आप काट सकते हैं। मैंने यहाँ अपनी सारी ग्वारफली कट करके रखी है। अब हमें इन्हें धो करके अच्छे से साफ कर लेना है। ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने ग्वारफली अच्छे से धो ली है। इसके अलावा मैंने यहाँ दो आलू लिए हैं, जिन्हें छील करके इस तरह के टुकड़ों में काटा है और धो लिया है। इनके अलावा हम लोगों को दो बड़े टमाटर चाहिए, मैंने छोटे टुकड़ों में काटे हैं। दो हरी मिर्ची मैंने काट ली हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हमने 12 से 15 लहसुन की कलियाँ ली हैं, इसे इस तरह के छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और इन सब के अलावा हमें अपने कुछ सूखे मसाले चाहिए। सूखे मसालों में मैंने यहाँ पर एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे लें। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर हम लोग लेंगे और 1.5 चम्मच हम यहाँ पर धनिया पाउडर ले रहे हैं। इस सब्जी में धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। और इसके अलावा हम लोग 1 चम्मच नमक का मैं ले रही हूँ, 1 टीस्पून, या आप स्वाद अनुसार नमक आप ले सकते हैं। बस ये हमारे बेसिक मसाले हैं जिनसे हमें ये सब्जी तैयार करनी है। चलिए, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं, तो चलिए हम अपनी सब्जी तैयार कर लेते हैं। यहाँ एक कुकर में मैंने 1 टेबलस्पून तेल गरम किया है। तेल जैसे ही गरम हो जाता है, हमारी जो कटी हुई लहसुन है, लहसुन हम इसमें डालेंगे और लहसुन को हल्का ब्राउन होने तक या पिंक होने तक हम भुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी लहसुन अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। अब हमारी जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम डाल देंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपनी ग्वारफली और कटे हुए आलू हैं वो हम डाल देते हैं। इसके बाद वन बाय वन हमें अपने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डालते जाने हैं। एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपने जो कटे हुए टमाटर हैं और हरी मिर्ची जो हमने काट के रखी है वो हम डाल देंगे। उसके बाद हमारे जो सूखे मसाले हैं वो हम यहाँ डाल देंगे। ये हमारे सूखे मसाले, ये भी हम डाल देते हैं। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे ताकि जितने भी सारे मसाले हैं वो पूरी सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर करके और हमें इसे ढक करके कुकर का ढक्कन हम लगा देंगे और धीमी आंच पे हमें इसे पकाना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमें इसमें किसी तरह का कोई पानी नहीं डालना है। ये सब्जी अपने आप पानी छोड़ेगी और उसी पानी में ये अपने आप कुक होती है। बस अभी हमें इसे ढक्कन लगा करके बिल्कुल धीमी आँच पर, ध्यान रहे आपका फ्लेम बिल्कुल धीमा रहेगा, बिल्कुल धीमी आँच पर 20 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। पूरा 20 मिनट आप इसे रखेंगे और बाय चांस आप कुकर खोलते हैं, 20 मिनट में भी अगर आपका पानी रह जाता है तो आप हाई फ्लेम पे इसे पका सकते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, 20 मिनट हुए हैं, हमारी सब्जी बिल्कुल परफेक्टली रेडी है और आप देख सकते हैं काफी खिली खिली बनी है। एक बार हम अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल रखा हुआ है, तो चलिए हम उसे बाउल में से सर्व कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया, वैसे तो ये 20 मिनट्स में आराम से कुक हो जाएगी, बाय चांस अगर इसमें पानी आपको दिखता है तो आप इसको हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट कुक करके पानी सुखा सकते हैं। यहाँ मैंने बाउल में अपनी सब्जी सर्व कर ली है। और फ्रेंड्स, आलू भी वैसे ऑप्शनल है, आलू अगर आप ना डालना चाहें तो नहीं डालेगा, बट ट्रस्ट मी, आलू का टेस्ट भी इस सब्जी में बहुत अच्छा लगता है, तो आप जरूर से ही डालिएगा और एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा ये सब्जी। तो बस हमारी सब्जी रेडी है। अब थोड़ा सा मैं इस पे हरे धनिया से हम गार्निश कर देते हैं, उस जरूरत नहीं है, बट आप चाहें तो हरा धनिया भी इसमें डाल सकते हैं। और बस गर्मा गर्म फुलकों के साथ इसे सर्व करें, बहुत ही अच्छी सब्जी लगती है। आई एम श्योर आप इसे बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी, मुझे ये बहुत पसंद है। आई होप फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।